तो यही था गियरलेस स्कूटर के इस सीरीज़ में, और इसमें हमने बहुत सारा टॉपिक्स कवर किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब टॉपिक्स आपके स्कूटर में भी हेल्पफुल होगा, और अगर आपके स्कूटर में भी प्रॉब्लम आता है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकेंगे। और मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स को कवर नहीं किया है, मैंने इंजन के पोर्शन को कवर नहीं किया है, यहाँ पे ये जो बुश डैमेज हो जाता है इसे भी मैंने कवर नहीं किया है, यहाँ पे ये जो बुश होता है सस्पेंशन वाला उसे भी मैंने कवर नहीं किया है, क्योंकि ये सब पार्ट्स अभी इस स्कूटर में हेल्दी था तो मैंने इसे टच नहीं किया है। फ्यूचर में उसे भी हम लोग दूसरे स्कूटर में कवर करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों, इस कंप्लीट सीरीज को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगा और साथ में मज़ा भी आया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे इस कंप्लीट सीरीज को देखिए, इसे लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए जिनके पास भी गियरलेस स्कूटर है, और ये जो प्रोसेस है वो सिमिलर है सारे गियरलेस स्कूटर के लिए, खासकर हीरो और होंडा के स्कूटर्स के लिए, बाकी के लिए भी सेम है, ये प्रोसेस सेम होता है हर एक के लिए, सारा में एक ही कॉन्सेप्ट है। और जाने के पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई रिपेयर रिलेटेड वीडियो किसी भी व्हीकल के लिए बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सके। अपने कमेंट्स और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा नीचे कि ये सीरीज आपको कैसा लगा। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।